अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप अगर ये जो स्लाइड शो देख रहे हैं, अगर आप इस लेवल की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल खान लोग स्टूडियो आ जाकर इस लेवल की एडिटिंग सीख सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट मैं जो आप एडिटिंग करना चाहता हूँ वो अगर आप उस लेवल की सीखना चाहते हैं तो मैं भी आपको बता रहा हूँ किस तरह वो मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी ये शो होने वाली है, देखो कि ये थंबनेल है हमारा। थंबनेल के बाद ये जो हमारी जो तस्वीर सिंपल सी तस्वीर है वो ये है। एडिट होने के बाद देखना किस लेवल की हो जाती है। तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे उससे ये होगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको शो होगी। तो हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइबर आ गया, आपने सब्सक्राइब कर दें। ये बेल आइकन है, इसको बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमारी जो पहली एप्लीकेशन है इसका नाम है लाइट रूम। ये आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं लिंक इसके साथ लिंक दे दूंगा, उससे भी आप डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से वो अच्छा सा प्री सेट जो है ना वो ये वाला जो है ना जो मेरा अच्छा है, इसको क्लिक करने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे जाकर तस्वीर के बाद आप डॉट के निशान पर क्लिक करना है। वहाँ पे फिर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देखो तस्वीर में एक जान आ चुकी है। उसके बाद फिर आपने ना कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने जिस तरह मैं कलर कर रहा हूँ आपने सही उसी तरह ही करना है। उससे देखो आप बाद में आप देखेंगे कि आपकी तस्वीर ना एक अच्छे एडिट हो चुकी है। और ये दूसरा कलर है, इसको थोड़ा ऊपर आपने एडजस्टिंग करनी है। उसके बाद ये दूसरा सब्ज कलर है, इससे ये होता है कि बीच से सब्ज़ा है जो आपने कितना हरा करना है, ये दूसरा पीला कर देना है। जितना आपको अच्छा लगता है आपने उसके हिसाब से करते रहना है। उसके बाद सेटिंग ये वो, इससे आपका चेहरा जो है ना वाइट हो जाता है। आपने कितना वाइट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, जो वो आपको अच्छा लगना है आपको अपने हिसाब से करना है। उसके बाद फिर आपने डन कर देना। डन करने के बाद आपने साथ वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने बस ये इसका इतनी सेटिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद फिर आपने डन करने के बाद आपने तस्वीर को चेक करना है। उसके बाद आपने तस्वीर सेव कर देना। सेव करने के बाद हमारे दोस्तों जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है ऑटोडिस्क। इसका भी मैं आपको लिंक के साथ दे दूंगा कि आप डाउनलोड कर लें। इससे इस एप्लीकेशन से ना ये फ़ायदा है कि इससे ना आपके अगर मुंह पे कोई निशान वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखो जिस तरह मैंने सेटिंग की आपने सेम इसी की तरह करनी है। उस साइज़ को आपने अपनी एडजस्टिंग के हिसाब से छोटा बड़ा कर लें, बड़ा कर लेना। उसके बाद आपने चेहरे पे जहाँ निशान है वहाँ पे इजी हो के स्मूथ करना है। देखो चेहरे पे निशान वगैरह है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो तस्वीर में एक जान आ गई है। ये देखो जहाँ पे अगर निशान नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपने इजी हो के करना है। उसके बाद देखना इस तस्वीर कितने लेवल की हो रही है। और गर्दन वगैरह अगर आपकी ब्लैक है फिर मैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन में बताऊँगा कि वो आपने किस तरह वाइट करनी है। लिहाजा यहाँ से सिर्फ आपने जो आपका अगर निशान वगैरह हैं, कोई अगर डब्बे वगैरह हैं, दाने वगैरह हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। खत वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह खत दे सकते हैं। और इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या इस ऐप से कर सकते हैं। वो सेटिंग बताऊंगा। ये होट वगैरह भी आपने कर लेना है, क्योंकि होट वगैरह अक्सर ब्लैक हो जाते हैं, इससे ना होट वगैरह भी अच्छे हो जाते हैं। आपने साइजिंग जो है ना छोटी सी करनी है, ज़्यादा करेंगे ना उससे फिर ना ज़्यादा स्मूथ लगेगा, उससे फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ निशान है ना आप आसानी से कर लेना। निशान करने के बाद फिर आपने ना मैं बाकी आप जिस तरह बता रहा हूँ आप नीचे उसी तरह करना, बाकी मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह।
अच्छा देखो अच्छी तरह चेहरा स्मूथ हो चुका है। उसके बाद देखो अगर आपकी जगह कोई अगर दाग वगैरह या निशान वगैरह रह चुके हैं तो उसके बाद आपने फिर अच्छी तरह उसको साफ़ कर लेना है। अब हमारी तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है, मैं आपके सामने जो सेव कर रहा हूँ ये और सेटिंग है। सेटिंग करने के बाद हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम है फेसटून टू। फेसटून टू आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर आपने ना जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपने ऐसे करना है, मेकअप वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो जो आपके इसका ब्लैक है वहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है। करने के बाद अगर आपके हाथ वगैरह या कान वगैरह या कोई भी हिस्सा है ना ब्लैक, आपने सिर्फ वहाँ पर करना है। वाइट वाले इस पर करेंगे तो तस्वीर ओवरऑल लगेगी। तो अच्छी तरह करने के बाद फिर आप देखना कि आपके हाथ के पर है वाइटिंग वगैरह या नहीं है वाइटिंग। फिर आपने इजी हो के वहाँ पे ब्लैक हिस्से को वाइट करना है। वाइट करने के बाद ये जो सेटिंग वगैरह जो फ्यूल वगैरह इसको आपने एडजस्ट करना है कि आपको कितनी ब्राइट वगैरह चाहिए, उसके हिसाब से आपने सेटिंग करनी। सेटिंग करने के बाद आपने देखना है कि कोई जगह अगर रह चुकी है तो आपने फिर वहाँ पर करने के बाद फिर आपने इसको डन कर दें। डन करने के बाद फिर दूसरी बार आपने आ जाना है, क्योंकि एक बार जो हिस्सा ब्लैक वाइट हो जाता है दूसरी बार और अच्छा हो जाता है। इसलिए दूसरी बार आने के बाद फिर आपने फिर इसको अच्छी तरह वाइट करना है। वाइट देखो आपको अगर कोई हिस्सा रह गया तो ठीक है, वरना आपने डन करने के बाद फिर आ जाना है मेकअप वाले ऑप्शन पर। फिर आपने साथ वाले ऑप्शन पर चले जाना है। फिर आपके होंठ वगैरह अगर थोड़े से ब्लैक हैं तो आपने इसको लाल कर देना है। लाल आपने हल्के से लाल करने, ज़्यादा नहीं करने, फिर आप तस्वीर ओवरऑल लगेगी। हल्के से करने के बाद आपने तस्वीर को ओके कर देना है। ओके कर अच्छा उसके बाद आपने फ़र्क वगैरह देखना। फ़र्क देखने के बाद